हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी वेट्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वैसे तो ये जो टॉपिक है द यूनिवर्सिटी वेट्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। बट अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो इसकी जानकारी होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर लॉन्ग टाइप, इसीलिए आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टर्म है द यूनिवर्सिटी वेट्स, इसको सबसे पहले जॉर्ज सैंड्सबरी ने कॉइन किया था। अब आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये यूनिवर्सिटी वेट्स आखिर है क्या। तो ये ना ही कोई एज है, ना ही पीरियड, बल्कि यूनिवर्सिटी वेट्स शब्द का प्रयोग लेट 16th सेंचुरी के प्ले राइट्स एंड पैम्पलेटर के ग्रुप के लिए किया जाता है, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे और बाद में वो अपने टाइम के बहुत फेमस राइटर्स बन गए। इस ग्रुप में, यूनिवर्सिटी वेट्स के ग्रुप में शामिल थे क्रिस्टोफर मार्डो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नास, जॉन लिली, थॉमस लॉर्ज, जॉर्ज पिली और थॉमस केड। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो थॉमस किड है वो ना ही कैम्ब्रिज और ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थे, ना ही इन दोनों यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट थे, मगर फिर भी इन्हें, थॉमस किड को, इस ग्रुप में शामिल किया गया है। और दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि इन पोएट्स, मतलब यूनिवर्सिटी वेट्स के पोएट्स के टाइम पे, मतलब लेट 16th सेंचुरी में, यूनिवर्सिटी वेट्स जैसा कुछ था ही नहीं, कोई टर्म यूज़ ही नहीं किया जाता था यूनिवर्सिटी वेट्स जैसा उस टाइम पे। लेकिन इसको बाद में 19th या फिर लेट 19th सेंचुरी में जॉर्ज सैंड्सबरी ने टर्म किया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। इन प्लेराइट्स के ग्रुप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर प्रोमिनेंट और फेमस प्लेराइट थे वो थे क्रिस्टोफर मार्लो। इन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ये और भी ज़्यादा फेमस होते अगर 1593 में मिस्टीरियस तरीके से इनकी डेथ ना होती तो। बट ड्यूरिंग द शॉर्ट स्पैन ऑफ हिज लाइफ, मार्लो ने इंग्लिश ड्रामा को रीओरिएंटेड किया। न्यू टेक्निक का इस्तेमाल कर उन्होंने ड्रामा के सब्जेक्ट मैटर को राइज किया। इनका जो नाम है इस ग्रुप का, द यूनिवर्सिटी वेट्स, ये दो रीज़न से पड़ा। पहला तो बिकॉज कि ये यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थे, और दूसरा ये कि इनके राइटिंग में या फिर वर्क्स में जो है बहुत ज़्यादा विट देखने को मिलता था, इसीलिए इनका नाम द यूनिवर्सिटी वेट्स पड़ा। यूनिवर्सिटी वेट्स के राइटर्स में डेलिकेसी, ग्रेस, शार्म और सब्टिलिटी की क्वालिटीज़ थी। इन ड्रामाटिस्ट ने इंग्लिश ड्रामा को ग्लोरी के हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर गए। इन्होंने कई तरह से इंग्लिश ड्रामा को डेवलप किया। इनकी राइटिंग्स में रेनेसा के भी कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते थे। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। इससे रिलेटेड नोट्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।